डॉक्टर्स को तो वैसे ही एक किताबों के ऊपर ही ट्रेन किया जाता है, जी तो आप तो किताब को ना बस ये समझेंगे, जिसको जिसको पता हो ना कि काम क्या लेना है किताब से, तो वो किताब की वैल्यू को किताब के फ्रंट से उसकी इंडेक्स ही पहचान लेता है। जिनको काम होता है ना, वो जब उनको किताब दी जाती है ना, और किताब छोटी सी हो, तो वो उस किताब को सीरियस नहीं लेते जब उनको पता हो काम बड़ा है। तो किताब से प्यार नहीं हो सकता ऐसी किसी, जब तक कि आपको उसका काम नहीं पता। इसलिए आपसे कहा प्रॉब्लम्स को ढूंढें, दुनिया में प्रॉब्लम्स क्या है शनाख्त करें, इसको इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर बोलते हैं कि बिगर प्रॉब्लम्स क्या है। ह्यूमन साइकोलॉजी बुराई की तरफ टिल्ट होती है, बहुत बड़ा मसला है। ओके, इससे बड़ा तो मसला कोई नहीं है ना। उस बुराई की टिल्ट को कितने परसेंट आप रिड्यूस कर सकते हैं इस वक्त, क्या क्या थेरेपी है उसकी ग्रुप लेवल पे। नेचुरली अकेला छोड़ेंगे गुनाह की तरफ माइल होगा, ग्रुप में आएगा पूरा ग्रुप गुनाह की तरफ माइल हो जाएगा। छोटा मसला है जी? नहीं, सबसे बड़ा मसला है। ओके, सो अंडरस्टैंड, इफ डॉक्टर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू पुट टू एंड टू टुगेदर, तो फिर तो बाकी के लोगों से तो क्या उम्मीद रखनी। तो आप तो कर लेंगे इंशाल्लाह। आपका पहला सवाल जी, क्या था मुझे बताएं, मैं दूसरे सवाल पे दोबारा रिट्रेट करता हूँ। पहला सवाल यह था कि आप इंटेलेक्चुअल वारफेयर कहते हैं ना हर अपने सेशन में, तो मैं बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, जब मैं यहाँ से निकल भी आता हूँ तो मैं अपने आप को हाँ, उसमें नबी इस्लाम को जी, कहाँ उसका प्लेस सिंपल करूँ? मैथ है, मैं समझ गया, याद आ गया, सिंपल मैथ है। नबी इस्लाम ने हौज़े कौसर पे ना मुझे और आपको देख के नहीं मुस्कुराना, याद रखिएगा। मिशनरीज को देख के मुस्कुराना है, तो मिशनरीज को देख के आप भी मुस्कुराते हैं क्या? हर नबी क्या करने आया था, मिशन लेके आया था ना, कितने जी लोगों को बचाना है। नबी इस्लाम ने कहा मेरी मिसाल ऐसी है तुम लोगों के साथ कि जैसे तुम आग के अलाव की तरफ लपक के भाग रहे हो, भाग रहे हो, लपक रहे हो, और मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के उस रास्ते से निकाल, आग के आग से बचा रहा हूं। तो फॉर्मूला तो नबी इस्लाम ने बता दिया है, फॉर्मूला यही है बस, क्या कि उधर नबी इस्लाम उसको देख के मुस्कुराएंगे कि जिसके पीछे जत्था होगा। इतने लोगों को बचा के लाए तो आग से, अपने आप को बचा के ले आए हो, इस पे क्या मुस्कुराना? नबियों का मिशन लेके आए हो या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से? हम हमारा मिशन भी हजारों लाखों करोड़ों में होना जरूरी है, समझ रहे हैं? हमारे जी नबी अलैहिस्सलाम ने ये करके दिखाया, उनके सारे सहाबा ने करके दिखाया। मैं और आप ईसा इब्ने मरियम की उम्मत में होते ना, तो मैं और आपसे कहता भी कि तकिया करो, तकिया करो। नहीं, हमारे पे नहीं तकिया, हम सब वक्त के इमाम हैं, हम नहीं हक छुपा सकते, हम लोगों को लेके आएंगे। हिकमत के साथ आते हैं लोग, स्ट्रेटजी के साथ आते हैं लोग, नारों से नहीं आते लोग। ओके, क्रेडिबिलिटी से आते हैं लोग। इसके लिए इंटेलेक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करनी पड़ती है। शैतान के साथ लड़ाई है हमारी, हमारी इंसान से लड़ाई नहीं है, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, छोटा स्टैंडर्ड ना रखें। ओके, सो मिलियंस, थिंक मिलियंस, और यहाँ पे देखें और पीछे देखें कतार लगी हुई है करोड़ों की, ये जो आपकी मेहनतों से, आपकी दावत से, आपके असर के अंदर, आपके लिखे हुए लफ्ज के और आपके बोले हुए लफ्ज के असर के अंदर। नबियों का यही मिशन है ना। आपने सीरत मोहम्मद तक पहुंचा दिया लोगों को, अल्लाह की मार्फत तक पहुंचा दिया। ये है मुस्कुराहट की बेसिक कुंजी। किसकी मुस्कुराहट? नबी सल्लम की मुस्कुराहट। इतने लोगों को तूने शराब कराने का ठेका लिया था और पूरा भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। गौर से समझें, अपना अपना खेलने के लिए नहीं इस्लाम में आया हूं, उसके लिए बुद्ध मत ठीक थी। सो दैट्स हाउ, जी या दैट्स हाउ यू पुट अ स्माइल ऑन आवर प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद जी। नबी इस्लाम ने इशारा फरमाया मुझे आखिरत में अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र होगा। ये हम सबको पता है हदीस का, तो अब पता चल गया फार्मूला। नबी इस्लाम के चेहरे मुबारक पे मुस्कुराहट लाने का फार्मूला में पता चल गया, उन्होंने खुद बताया। मैं अपने आप को बचा के आ गया या रसूल अल्लाह, कोई व्हील चेयर पे पैदा हुए थे हम, अपने आप को बचा के आ गए। ये हाथ पैर किस लिए मिले थे, ये जबान, ये अकल किस लिए मिली थी, पांचों हिस्से इतनी तेज। आप आम से बंदे से मुस्कुराहट नहीं एक्सपेक्ट करते कि तू अपने आप को बचा के आया, किसी को नहीं, तूने तूने किसी का जिम्मा नहीं लिया। आप खुद बताएं, आप मुस्कुराएंगे, आपका बेटा ये बात करे उधर, तो